आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में सोमवार देर रात एक भीषण हादसा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक यहां कोणार्क एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से करीब 6 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने भी 6 मौत की पुष्टि की। पुलिस के मुताबिक जो लोग हादसे का शिकार हुए वो सभी गुवाहाटी जाने वाली एक सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के यात्री थे। ये लोग बटुआ गांव में किसी टेक्निकल समस्या की वजह से ट्रेन के रुकने पर बगल वाले रेलवे ट्रैक पर उतर गए। इसी दौरान उल्टी दिशा से कोणार्क एक्सप्रेस ट्रेन आई और इन 6 लोगों को रौंदते हुए निकल गई। हादसे में कुछ लोगों के चोटिल होने की भी सूचना है। श्रीकाकुलम के SPGR राधिका ने बताया कि अभी तक हमें इस हादसे में शिकार हुए 6 शव मिले हैं। इन सभी की पहचान भी कर ली गई है। फिलहाल हम ये पता कर रहे हैं कि कहीं और लोग तो इस हादसे का शिकार नहीं हुए। पुलिस और रेलवे की टीम इस जांच में जुटी है। अभी तक रेलवे ट्रैक पर कोई और शव नहीं मिला। अगर ये लोग ट्रैक पर नहीं होते तो हादसा नहीं होता। वहीं इस हादसे पर आंध्र प्रदेश की मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने दुख जताया। उन्होंने जिला अधिकारियों को राहत कार्य शुरू करने और घायलों को उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि घायलों के इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए। मेट्रो मुंबई के लिए तृप्ति सिंह की रिपोर्ट।